जय हिंद बच्चों, आज हम प्रश्नावली 8 के एग्जाम्पल नंबर 5 को बताएंगे, साथ साथ प्रश्नावली 8.1 के कुछ सवाल देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 का रहा है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी समकोण है, ओ पी बराबर 7 सेमी और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी, तो आपको क्या मालूम करना है? साइन क्यू और कास क्यू का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ओ पी क्यू, तो हमने एक त्रिभुज देखा है यहाँ पे ओ पी क्यू, इसमें कह रहा कोण पी समकोण है, यानी यहाँ जो 90 अंश लिखे हैं उसकी जगह क्या लिखा गया है? पी। और ओ पी आपका यहाँ पे है ये 7 सेमी, ओ पी कितना है? 7 सेमी। ओ पी बराबर दिया है कैसे में? 7 सेमी। और क्या दिया है? ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेमी। तो हमें साइन क्यू और कास क्यू का मान निकालना है, तो साइन क्यू कास क्यू का मान निकालने के लिए हम तभी निकाल पाएंगे जब इसकी तीनों भुजाएं हमको मालूम हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मालूम हो, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको मालूम होगी तभी निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे? तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? आप देखो, त्रिभुज ओ पी क्यू समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब कर्ण बेटा यहाँ पे क्या है बताओ? 90 अंश के सामने की भुजा, अर्थात कोण पी के सामने की भुजा, अर्थात कोण ओ क्यू स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा? ओ पी। बोलो इसको, इस 90 अंश के सामने की भुजा को तो हम इसको आधार कहें चाहे इसको आधार कहें, जब इसको आधार कहेंगे तो ये लंब होगा, और इसको जब आधार कहेंगे तो ये लंब होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा साइन क्यू की बात हो रही, इस कोण का साइन लेना है तो हम इसको आधार कर सकते हैं, इसको लंब, मतलब इस क्यू के लिए क्या कहेंगे? इसको आधार कर सकते हैं। बोलो तो ये क्यू के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी, क्या होगी? लंब होगी, होगी कि नहीं? बोलो भाई। तो ये आधार हो जाएगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि पी क्यू आधार हुआ और पी ओ या ओ पी क्या होगा? लंब हो जाएगा क्यू के लिए। तो बोलो यहाँ क्या लिखेंगे? आधार, यानी हम कह सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस लंब अर्थात ओ पी स्क्वायर। अच्छा, ओ क्यू, देखो यहाँ पे ध्यान दें तो ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1, तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? हम ओ क्यू को चेंज करेंगे पी क्यू के रूप में, ओ क्यू और पी क्यू यहाँ पे है, यहाँ ओ क्यू यहाँ पी क्यू, तो ओ क्यू को चेंज करेंगे बदलेंगे, तो ओ क्यू बराबर हम कर सकते हैं 1 प्लस पी क्यू। ठीक है, ओ क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस पी क्यू। तो इसलिए अब देखो, ओ क्यू की जगह क्या लिखेंगे? 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी हमारा क्या? 7 का स्क्वायर। अब देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहला पद 1 गुणे दूसरा पद पी क्यू, यानी 2 पी क्यू बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49। पी क्यू स्क्वायर बेटा इधर भी दाहिने तरफ है और पी क्यू स्क्वायर बाएं तरफ है, कट गया,
इस वन को हम राइट हैंड साइड में भेज दें, तो वन को जब राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2PQ बराबर 49 - 1 यानी 48। तो PQ बराबर 48/2 यानी कितना हो गया, 24। तो इस तरह से PQ का मान हो गया हमारा कितना, बोलो 24। अब क्या नहीं मालूम है बोलो, हमने यहाँ पे PQ का मान निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 24। अब बताओ आधार लंब या लंब आधार, इसको आधार कहेंगे तो इसको लंब कहेंगे, इसको लंब कहेंगे तो इसको आधार कहेंगे। यहाँ पे देखो क्या नहीं मालूम है, कर्ण, तो कहेंगे अब OQ² यहाँ लिख रहे हैं OQ² बराबर कहेंगे OP² प्लस PQ² OP क्या है 7² प्लस 24² 7 × 7 = 49 प्लस 24 × 24 = 576। इसको जोड़ दें 9 × 6 = 15, 7 × 4 = 11, 12 = 625। OQ² 625, तो OQ बराबर √625। इसका वर्गमूल बेटा कितना आ जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 25। तो ये हो जाएगा हमारा 25। समझ में आ गया कैसे वर्गमूल निकालेंगे, इसका खंड कर देंगे 625 का, 625 का खंड कर दोगे 625, देखो 5 से कटेगा 125, 5 से कटेगा 125, फिर 5 से और फिर 5 से जोड़ा बनाएंगे तो 5 यहाँ मिला 5 यहाँ मिला 5 × 5 = 25। तो आपका यह हो गया 25 सेमी, ये 25 सेमी, ये आपका 24 सेमी। अब तीनों भुजाएं मालूम हो गई, तो अब हम साइन क्यू निकाल सकते हैं। अब देखें साइन क्यू, साइन क्यू होता है लंब बटे कर्ण, तो क्यू के लिए लंब बताओ, क्यू के लिए लंब कौन होगा, OP बटे, क्यू के सामने भुजा वाली लंब होगी, और कर्ण कौन हुआ, OQ। तो ये हुआ 7/ OP का मान 7 सेमी बटे 25 सेमी, सेमी कैंसिल हो गया आपका 7/25। अब देखें कॉस क्यू, तो कहेंगे आधार बटे कर्ण, तो बोलो इस क्यू के लिए तो ये लंब हो गया, तो आपका आधार कौन हुआ, PQ बटे कर्ण हमारा OQ। तो PQ हमारा है 24 सेमी बटे कर्ण है 25 सेमी, सेमी सेमी कैंसिल हुआ 24/25। ठीक बेटा।